नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? आशा करने आप सब बहुत ही अच्छे हैं। और मेरा तो ना कोल्ड में जा कर ना बुरा हाल हो गया है, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैं इस समय मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के छेबरामू के कोल्ड स्टोर में, जिसका नाम शिव शंभुनाथ दयाल कोल्ड स्टोर है और ये छेबरामू के पास में पड़ता है। तो आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं, बहुत सारे जो आलू की निकासी है लगभग बराबर चल रही है। और आज दिनांक जो है 23 अक्टूबर है, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के आलू के भाव की। तो चलिए वक्त को ना बर्बाद करके आज आलू की बात कर लेते हैं। और सबसे पहले आज आप लोग मुझे कमेंट में यह ज़रूर बता दें कि किस किस भाई का आलू किस किस कोल्ड में भी कितना कितना रखा है, जिससे एक अनुमान लगाया जा सके कि आलू का भविष्य आगे कैसा रहने वाला है। आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएँ कि जो आलू रह गया है वो किसके पास कितना रह गया है। तो चलिए आज के आलू के भाव स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के आगरा से। उत्तर प्रदेश के आगरा में लगातार कई दिनों से जो भाव था बढ़ रहा था, और अब जो भाव है आज लमसम मान के चलो आप तो थोड़ा टाइट से लेकर डाउन हो गया थोड़ा। तो अब क्या करना है कि जो 37-97 का गुल्ला आलू होता है वो 1300 से लेकर 1500 रुपए आगरा में, और जो 37-97 का सुपर आलू होता है वो 1450 रुपए से लेकर 1700 रुपए सबसे हाईएस्ट आलू बिक रहा है उत्तर प्रदेश के आगरा में। अब हम वहीं पे बात करें, अगर जो खाने वाली कर्री होती है वो 1200 से लेकर 1300 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से बिक रही है। और जिस किसी भाई को आगरा से किसी प्रकार की कोई भी जानकारी लेनी है तो आपको जो डिस्प्ले पे नंबर दिखाई दे रहा है आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। तो अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश के कन्नौज की, तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जो न्यू हाईलैंड आलू होता है वो सबसे जो 1500 से शुरुआत होता है और 1650 रुपये सबसे हाईएस्ट न्यू हाईलैंड आलू। और जो चिप्सोना की बात करें तो चिप्सोना 1450 रुपए से लेके 1600 रुपए प्रति कट्टा कोल्ड के भाड़ा सहित आपकी गाड़ी पे लोड करवा दिया जाएगा। और अब बात करें अगर कानपुर देहात क्षेत्र के जो रेट हैं कोल्डों के, 37-97 आलू जो है वो 1400 से लेके 1550 रुपए प्रति कट्टा, और जो न्यू हाईलैंड है वो 1550 से लेके 1625 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से बिक रहा है कानपुर देहात क्षेत्र के कोल्ड स्टोरों में। बात करें वहीं हाइब्रिड आलू की, तो हाइब्रिड आलू भी 1400 से लेके 1500 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से बिक रहा है कोल्ड के बाड़ा सहित। अब बात करूं मैं संभल की, तो संभल में जो हाइब्रिड आलू होते हैं वो 3200 से लेकर 3250 रुपये प्रति क्विंटल, और अगर बात करें 37-97 की, तो 37-97 3250 रुपए से लेकर और 3350 रुपए प्रति क्विंटल। और अगर वहीं बात करें हम चिप्सोना की, तो चिप्सोना जो है 3400 रुपए से लेकर और 3500 रुपए प्रति क्विंटल। और वहीं अगर बात करें सूर्या की, तो सूर्या आलू भी जो है वो 3400 से लेकर 3600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। मैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी लगभग जो रेट हैं वो भी लगभग सेम चल रहे हैं। और अगर बात करूं मैं उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद की, तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जो हाइब्रिड आलू होते हैं वो 1400 से लेकर और 1500 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से बिक रहे हैं। और 37-97 की बात करें, तो 37-97 1400 से लेकर 1550 रुपए प्रति कट्टा। और वहीं न्यू हाईलैंड की बात करें, तो न्यू हाईलैंड 1450 से लेकर और 1600 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से बिक रहा है फर्रुखाबाद में। और छिबरामू की बात अगर करी जाए, तो छिबरामू का जो रेट है लगभग फर्रुखाबाद से मिलता जुलता रहता है। तो अब अगर बात करें हम बिहार समस्तीपुर की, तो बिहार समस्तीपुर में जो आलू का भाव है वो 3400 से लेके 3500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है बिहार समस्तीपुर में 40 आलू।
अब अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में जो डायमंड आलू होता है वो 1400 से लेके 1600 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से बिक रहा है कोल्ड के भाड़ा सहित। और एलआर की बात करें, एलआर भी 1400 से लेके और 1600 रुपये कट्टा के हिसाब से आलू बिक रहा है। बात करूँ अगर मंडेरा मंडी की, तो इलाहाबाद मंडेरा मंडी में जो G4 आलू होता है वो 3600 से 3700 रुपये प्रति क्विंटल। और अगर वहीं बात करें हम श्रीनाथ की, तो श्रीनाथ 3500 से लेकर 3600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। इस किसी भाई को इलाहाबाद मंडेरा मंडी में संपर्क करना है तो आप नीचे जो आपको डिस्प्ले पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप उस पर जाके संपर्क कर सकते हैं। और अब अगर बात की जाए वहीं अपने उत्तर प्रदेश के कानपुर चक्करपुर मंडी की, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर चक्करपुर मंडी में जो आलू होता है वो मन के हिसाब से बेचता है, और मन 40 केजी का होता है जैसा कि आप सब जानते हैं। तो जो वो वहाँ पे जो 37-97 का छट्टा आलू होता है ना, 97 का छट्टा आलू जो है 1220 रुपए से लेके 1300 रुपए प्रति मन, जो हाइब्रिड आलू होते हैं वो 1150 रुपए से लेके 1250 रुपए प्रति मन, जो गुल्ला होता है वो 1100 से लेके 1150 रुपए प्रति मन, जो सुपर गुल्ला होता है वो 1200 से लेके 1230 रुपए प्रति मन, जो हाईलैंड होता है वो 1300 से लेके 1350 रुपए प्रति मन के हिसाब से बिक रहा है। वहीं बात करें हम सिंदूरी की, तो सिंदूरी 1200 से लेके 1300 रुपए प्रति मन, और कटपीस की बात की जाए वो 600 से 700 रुपए प्रति मन के हिसाब से बिक रही है। और जिस किसी भाई को कानपुर चक्करपुर मंडी या अदर जगह का सही और ताज़ा और सटीक भाव अगर मालूम हो तो आप लोग नीचे कमेंट में जाएं और नीचे लिख दें। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर क्या नाम वेस्ट बंगाल की। तो अब अगर बात की जाए वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में बहुत धमाकेदार बढ़ोतरी हुई है। वेस्ट बंगाल में ना जो आलू 1380 रुपए बिक रहा था, 50 केजी का जो कट्टा था वो 1380 रुपए में बिक रहा था आज से दो दिन पहले। आज वहाँ पे पर कट्टा पे 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ये वेस्ट बंगाल वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और वहाँ पे जो आलू का रेट है जूती आलू का 1400 से लेके और 1480 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से आलू बिक रहा है वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल का कोई कोई क्षेत्र में दूसरा भी रेट हो सकता है। तो आप लोग इधर सामने मेरे जो देख रहे हैं, इधर बहुत ही धमाकेदार जो आलू की निकासी है वो चल रही है। और आप लोग अगर आलू की ताज़ा और सटीक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को निःशुल्क में सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इधर ये बताइए सभी लोग कौन सा आलू इधर खुला पड़ा हुआ है, और इधर भी देख सकते हो आप लोग इधर आलू सूखने के लिए पड़ा है, और ये कौन सा आलू आप लोग नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बता दें। और इधर आप लोग एक बार फिर से सही से देख पाएंगे कि इधर जो निकासी है वो बहुत ही धमाकेदार चल रही है। आप लोग इस मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें।